यूपी सरकार ने नाम बदलने की सियासत के अध्याय का एक और पन्ना खोल दिया है और इस बार बारी है इलाहाबाद की, जिसका नाम प्रयागराज करने की तैयारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान इलाहाबाद में ही किया। ये तस्वीरें करीब 1.5 महीने पुरानी है, जब यूपी के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर रखा गया। वैसे तो राजनीति में नाम बदलने की सियासत का ये पहला अध्याय नहीं था, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने अपने इस मुहिम की शुरुआत यहीं से की और अब मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। अब नाम बदलने वाली इस राजनीति का दूसरा अध्याय मुगलसराय से करीब 130 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में शुरू होने जा रहा है और इसका ऐलान किया है खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे अखाड़ा परिषद से भी, पूज्य संतों की ओर से भी, यहाँ के प्रबुद्ध जनों की ओर से भी, उनका सबका एक नाम इस प्रकार का एक प्रस्ताव ये भी आया है कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने भी इस पर अपनी सहमति दी है, उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को इलाहाबाद पहुंचे थे, जहां जनवरी में कुंभ मेले का आयोजन होना है और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान सीएम साहब ने ऐलान किया कि जल्द ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया जाएगा। आप जाएंगे उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां से आपको विष्णु प्रयाग देखने को मिलेगा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, अनेक प्रयागों के दर्शन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और हिमालय से निकलने वाली देवतुल्य दो पवित्र नदियां गंगा और यमुना का संगम इस पावन धरती पर होता है, तो स्वाभाविक रूप से इन सभी प्रयागों का राजा है यह प्रयाग, इसलिए ये प्रयागराज कहलाता है। हम लोगों ने उनकी इस बात को समर्थन किया है और हमारा प्रयास होगा कि बहुत शीघ्र हम इस शहर का नाम भी प्रयागराज करने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि योगीराज में यूपी में नाम बदलने की सियासत का ये आखिरी अध्याय, बल्कि आने वाले दिनों में चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट का नाम नाथ नगरी एयरपोर्ट और गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ जी एयरपोर्ट किया जाएगा। 2019 के चुनाव बीजेपी की निगाहें सबसे ज्यादा यूपी पर है, जहां से उसके सबसे ज्यादा सांसद। ऐसे में नतीजों के आने पर ही पता चलेगा कि काम के साथ नाम बदलने की इस राजनीति में बीजेपी कितनी कामयाब रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।